अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चॉइस फॉर फूडी। आज मैं आया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरा दिल कर रहा था यार चलो यार लिमका पीते हैं। तो हैदराबाद में जब लिमके की बात आती है तो थर्स्टी द सोडा शॉप की बात लाजमी आती है। तो आज मैं थर्स्टी शॉप पे आया हूँ। यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि चलो यार यहाँ चलते हैं लिमका विमका पीते हैं। इनके पास बहुत सारे जूसेस वगैरह हैं, तो चलते हैं अंदर, बात करते हैं, आपको दिखाते हैं व्यूज़ वगैरह, हर चीज़ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इनके पास मेन्यू में जूसेस लिमका वगैरह हैं। चलते हैं इनके साथ बात करते हैं, आ जा मेरे साथ। हाँ तो व्यूअर्स, मैंने भाई को अंदर से बाहर ही बुला लिया, तो अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, आप बताएं कैसे? फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादी है। हादी भाई, आप बताएंगे कि मेन्यू में क्या क्या है आपके पास? जी हाँ, हमारे पास लेमन फ्लेवर है, लेमन है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, ऑरेंज है, पीच है, पाइनएप्पल है। इसके अलावा लीची अनार, जो मतलब मशीन में वैसे जगह कम होती है तो हम जो है जो रनिंग फ्लेवर होता है उसको ज़्यादा चलाते हैं, और लीची अनार जो है वैसे चलाते हैं, हफ्ते हफ्ते का गैप देके चलाते हैं ना, जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा हमारे स्पेशल फ्लेवर्स हैं, बम्बल बेरी है, ट्रॉपिकल है, पर्पल है, नारंगी लिमका है, और थर्स्टी के जो मोस्ट स्पेशल जो फ्लेवर्स हैं उनमें कोल्ड कॉफ़ी आता है, जिंजर मोजो आता है, इमली आलू बुखार आता है। ये हमारे मोस्ट फ्लेवर जो स्पेशल फ्लेवर है। ज़बरदस्त हो गया। अब आप मुझे ये बताएं इनकी प्राइजेस क्या? सर जो कोल्ड कॉफ़ी के पैसे है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब वैसे तो रिजनेबल ही है, 190 के स्मॉल है और 230 का लार्ज है। बाकी जो हमारे सादे फ्लेवर्स हैं उनके रिजनेबल प्राइस है, 90 के स्मॉल है और 110 का लार्ज है। हो गया। अभी जो सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई एक या दो फ्लेवर कौन कौन से? हमारे पास कॉकटेल सबसे ज़्यादा चलता है। कॉकटेल सबसे ज़्यादा चलता है, लेमन है, ब्लूबेरी है, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं फ्लेवर्स। तो आप मुझे बताएं इसकी जो ब्रांचेज हैं और कितनी है पूरे हैदराबाद में? सर हैदराबाद में तो चार ब्रांचेज हैं, एक यहाँ पर, एक चांदनी पर, एक आसाबाद में, गुल सेंटर पर। अब आप मुझे वीआईपी सा जो फ्लेवर है ना, जो आप कह रहे हैं जो बहुत चलता है, वो मुझे टेस्ट करवा देंगे? ठीक है, मैं आपको कॉकटेल ट्राई कराता हूँ। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम कॉकटेल ट्राई करते हैं, तो देखते हैं पीने के बाद के क्या हमारे तासुरात होते हैं, मज़ा आता है, उसके बाद देखेंगे कि इसके अलावा अगर मुझे कोई पसंद आता है वो भी मैं पी के बताऊंगा कि कैसा लगता है। चले आए मेरे साथ। चल भाई, एक्साइटेड हूँ, आज लिमका पीने आया था, सोचा चलो चलते हैं। चलो भाई जान जल्दी दे दें, हम सबर जो है ना टूट रहा है। हाँ तो भाई अभी सबर हो गया ख़त्म, अभी आने वाला है लिमका तो वो टेस्ट करते हैं। चलो भाई लाओ फटाफट, ये आ गया हमारा कॉकटेल। ओह माय गॉड, ये आ गया कॉकटेल, आ जाओ जरा बाहर सुकून से पीते हैं। तो हैदराबाद की आवाम बड़ी छाई हुई है भाई, ये हम थर्स्टी द सोडा शॉप उसका फ्लेवर ट्राई करने आए हैं भाई। हाँ तो गाइस अभी कॉकटेल फ्लेवर लिमका मेरे पास है, ये देखें इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है, डिस्पोजेबल ग्लास और स्ट्रो के साथ बिल्कुल बेहतरीन किस्म का हो गया काम। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कॉकटेल फ्लेवर को, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। कुछ नया है यार, तभी तो इतना रश होता है इनके पास। तो गाइस मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ आप भी आओ, चक्कर लगाओ, टेस्ट करो, और अपने घर वालों को भी बताओ कि कैसा टेस्ट है इसका। और भी इनके साथ इनके पास सिंपल फ्लेवर भी हैं, और ये तो सबसे चलने वाला फ्लेवर है कॉकटेल, ये मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। आप आएँ विज़िट करें, इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और अंदर इन्होंने बहुत साफ़ सफाई रखी हुई है, और इनके जितने भी यहाँ पे पूरा स्टाफ है, पूरी मेंटेनेंस पूरी किट के साथ है। तो गाइज ये छोटा सा इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे मर्द हजरात बैठ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, और जो फैमिली वाले हैं वो अपनी कार्स में आते हैं, कार्स में बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ तो गाइज मेरा दिल कर रहा था थोड़ी पब्लिक से भी बात कर लें, इनसे भी रिव्यू लेते हैं इन शॉप के बारे में। आ जा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास करा हुआ मालिक का। अपना नाम बता दें प्लीज। भाई मेरा नाम मोहम्मद खान। मोहम्मद खान? जी जी। तो खान भाई आप यहाँ क्यों आए? भाई हम पीने आए हैं थर्स्टी का, जो मैं लेमन का मिंट पीने आता हूँ, और माशाल्लाह हम सब दोस्त आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर गर्मी की मौसम में पी के हम एंजॉय करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? जी हम जैसे हैदराबाद में रह रहे हैं 3-4 साल से आ रहे हैं, जब से थर्स्टी खुला है उसके बाद से हम आते रहते हैं, एक वीक में 1-2-3 बार आते रहते हैं, जब भी लतीफाबाद आना होता है तो यहाँ पे आते हैं, मतलब सदर में बिराज वहाँ भी जाते हैं। बेहतरीन हो गया। तो कौन सा फ्लेवर पी रहे हैं? जी मैं मिंट फ्लेवर पी रहा हूँ, लेमन मिंट जो होता है वो पी रहा हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है।
तो गाइस ये भी यहाँ के फैन है, ये भी डेली कस्टमर है, कह रहे हैं गर्मियों के मौसम में हम लाजमी आते हैं और ये मिंट फ्लेवर लाजमी ट्राई करते हैं। तो गाइस लोग इतने पागल हैं हैदराबाद के, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं शहर में, 3-4 ब्रांचेज हैं। तो मैं तो यहाँ यूनिट नंबर 7 में आया हूँ इस ब्रांच पे, थर्स्टी द सोडा शॉप। तो गाइस आप लोग भी जरूर आएं, ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर है, मैं तो कॉकटेल को इन्जॉय कर रहा हूँ, आप भी आएँ इसको इन्जॉय करें, बहुत ही बेहतरीन है और हर सिप में मज़ा आ जाता है, टेस्ट करें ज़रा, वाह मज़ा आ गया। हाँ तो गाइस लिमका पीने के बाद तबीयत रोशन हो गई, मज़ा आ गया। तो अब हादी भाई ने अपने कवारे हाथों से मुझे ये फ्लेवर टेस्ट करवाया है, अब उनसे जाकर थैंक यू करते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन किस्म का मुझे फ्लेवर चेक करवाया, तो उसके लिए थैंक यू तो बनता है, चलते हैं। आदि भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू यार आपकी सर्विसेज के लिए, थैंक यू थैंक यू। तो ये इनका मेन्यू है, ये इनका मेन्यू है, सारी प्राइजेस वगैरह लिखी हुई है, लार्ज भी है स्मॉल भी है, हर फ्लेवर के बिल्कुल नॉर्मल प्राइजेस इन्होंने रखे हुए हैं। और थैंक यू सो मच पूरे स्टाफ का, आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, थैंक यू। और आपकी साफ सफाई देखी यहाँ की, आपकी किट वगैरह देखी, बेल ले।